नमस्कार दोस्तों, ये है मेरे पास HDFC बैंक की चेकबुक। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों का अकाउंट इस बैंक में होता है, HDFC बैंक में, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको कभी कभी चेक की दोस्तों ज़रूरत पड़ जाती है, बट उनके पास चेकबुक नहीं होती। तो दोस्तों, उनको मैं बता दूं कि वो कैसे इस चेकबुक को अपने घर मंगा सकते हैं घर बैठे, क्योंकि अगर आप बैंक में आते हो तो बैंक के दोस्तों जो लोग होते हैं वो भी यही बोलते हैं कि सर आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करनी पड़ेगी। अब आप चेकबुक अपने अकाउंट से ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप उस चेकबुक को इस जो मेरे पास है, कैसे आप इस तरह की चेकबुक को आप अपने घर बैठे अपने एड्रेस पर मंगा सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि दोस्तों आजकल जो चेक आते हैं वो चेक के ऊपर ही दोस्तों आपकी पूरी डिटेल होती है, जैसे आपका अकाउंट नंबर, आपका नाम, आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ। दोस्तों, इस तरीके से जो चेकबुक आती है वो आपके एड्रेस पर कैसे आएगी, किस तरीके से दोस्तों आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं, जो मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये चेकबुक जो है इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि हमें कैसी चेकबुक मिलती है, क्योंकि मैंने इसको अप्लाई किया था और उसके बाद मैंने खुद नहीं देखा कि इसके अंदर हमें किस तरह की चेकबुक मिलती है, क्योंकि मैं ये दूसरी बार मंगा रहा हूँ, तो इसलिए दोस्तों मुझे पता है, बट मैं आपके सामने इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ कि हमें किस तरह की चेकबुक इस रैपर के अंदर मिलती है, तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये है हमारी चेकबुक, इस पर दोस्तों मेरा पूरा अकाउंट नंबर वगैरह नाम वाम सब सेव है। अब देखिए, इस तरह के दोस्तों हमें इसमें चेक मिलते हैं अंदर, इसमें दोस्तों मेरा अकाउंट नंबर, मेरा IFSC कोड, मेरा नाम वगैरह सब कुछ मेंशन होता है ऊपर ही। तो इस तरह की चेक दोस्तों आपको मिलेगी जब आप इसको ऑर्डर करते हैं तब। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि आप इसे ऑर्डर कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको पूरा प्रोसेस अपने मोबाइल में दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन में HDFC बैंक की दोस्तों जो एप्लीकेशन होती है उसको आपको ओपन कर लेना है, क्योंकि इसी में दोस्तों आप आसानी से इसको ओपन कर सकते हैं, इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों पहले इसको ओपन करता हूँ। अब यहाँ दोस्तों आपको जाना है 3 डॉट पर। यहाँ जाने के बाद दोस्तों, 3 डॉट पर दोस्तों जाने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, तो आपको सबसे ऊपर दोस्तों जो ऑप्शन दिया गया है होम के नीचे पे का, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जब दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे, UPI पेमेंट, मनी ट्रांसफ़र, कार्ड रिचार्ज, बिल पे, चेक। अब आपको इस लास्ट वाले ऑप्शन पर चेक पर क्लिक कर देना है। यहाँ दोस्तों जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ऊपर अकाउंट नंबर आएगा और आपका दोस्तों जो बैलेंस वगैरह वो आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको अपने चेक का स्टेटस देखना है, अगर आपने ऑर्डर कर रखी है कहीं से तो आपको दोस्तों जब आप पहली बार ऑर्डर कर रहे हो तो आपको अपने तीसरा जो ऑप्शन आ रहा है गेट न्यू चेक बुक, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आपको ये बॉक्स में टिक कर देना है और कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जब दोस्तों जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली दोस्तों आपके जो यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, जैसे मेरा एड्रेस दिया गया है, इसी एड्रेस पर दोस्तों जो चेकबुक 2 से 3 दिन में आपके एड्रेस पर भेज दी जाएगी, और इसका दोस्तों जो चार्ज है वो समथिंग 70 से 80 रुपये होता है, वो आपको आपके अकाउंट से कट जाएगा जब आपके एड्रेस पर जो डिलीवर हो जाएगी, उसके बाद आपके अकाउंट से पेमेंट कट जाता है। तो काफ़ी आसानी से इस चेकबुक को आप ऑर्डर कर सकते हो, आप कहीं भी कोई सी ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने मोबाइल से ही घर बैठे इस चेकबुक को मंगा सकते हो बड़ी ही आसानी से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो दोस्तों आपके लिए लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।